मॉम, मैंने कैम को डिवोर्स दे दिया। इसकी खबर आज रात की न्यूज़ पर लग जाएगी। मैम, जमालुद्दीन खाकवानी को सीएम बनाया जा रहा है। ये कैसे हो सकता है? चेयरमैन साहब ने तो मुझे खुद बताया था कि वो ये सीट दानिया को देंगे, मगर उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे इस म्यूजिकल चेयर में हिस्सा नहीं लेना। आप जाएं। ओके। इसकी बेवकूफी में मुझे कोई शक नहीं था। बेवकूफ वो नहीं, बेवकूफ तुम हो। मॉम, मैंने क्या किया है? क्या मैं? तुम्हारी गलत चॉइस, तुम्हारे गलत फैसलों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अगर सियासत नहीं संभाल सकते थे तो बीवी को संभाल लेते। अगर दानिया इस घर में अभी तक होती ना, तो ये वजारत एक दरवाजे से निकलकर दूसरे दरवाजे से आके हमारे घर में ही बैठती। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे पास कोई प्रोटोकॉल नहीं है। गेट के बाहर कोई पुलिस मोबाइल नहीं खड़ी। सुबह से लेके अब तक किसी ने सलूट नहीं मारा मुझे। For God's sakes, Mom, दानिया को बीमार आपने करवाया था उस स्टूपिड मेड के थ्रू, जिसने दो थप्पड़ खा के पुलिस से सारा सच उगल दिया। वजारत आपकी वजह से गई है और मेरा घर भी आपकी वजह से खराब हुआ है। तुम्हारा घर मेरी वजह से खराब हुआ है? जी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? भूल गए हो तुम एक कम जर्फ लड़की से शादी करके उसको हमारे खानदान में लेके आ गए थे? ये सब बर्बादी तुम्हारी वजह से है। मैं तुम्हें बार बार समझाती रही, दानिया खानदानी बहू है। उसका ग्रेस देखो, स्टाइल देखो, उसकी पॉपुलैरिटी देखो। लेकिन नहीं, तुम्हारी लव स्टोरी ही नहीं खत्म होती। ये सब बर्बाद तुमने खुद किया है। डोंट ब्लेम मी नाउ, अभी भी देर नहीं हुई है। तुम ना अपनी लव स्टोरी खत्म करो, ईगो को कंट्रोल में लाओ और दानिया को वापस ले आओ। हमारे सारे गुनाह ना धुल जाएंगे, सब ठीक हो सकता है अभी भी। बहुत लोगों पे हुकूमत करने के लिए ना एक शख्स का गुलाम बनना पड़ता है। ये दुनिया का रिवाज है। प्लीज कंटिन्यू योर फादर्स लेगेसी। मॉम, सब कुछ तो है हमारे पास, बंगला, गाड़ी, दौलत, शोहरत, और क्या चाहिए कि हम मारे मारे हुकूमत के पीछे फिरते रहे। हम जैसे लोग ना अच्छे खाने या अच्छे पीने के लिए ना जीते नहीं हैं, हुकूमत करने के लिए जीते हैं। पावर हमारी अयाशी, सियासत हमारी इज्जत, हुकूमत हमारी खुशहाली, यही हमारी असलियत है। झंडे वाली गाड़ी में बैठने के बाद ना, बगैर झंडे वाली गाड़ी में बैठने से ना लगता है जैसे कोई सस्ती सी रेंट कार में बैठे हुए हम। मजा नहीं आता बेटा, वो झंडा बड़ा जरूरी होता है। हमारी कुछ आदतें बनी हुई हैं, उन्हें समझो। खाना, पहनना, पीना, ये सब तो सभी के पास आ जाता है। हुकूमत करना खुश नसीब के पास आता है और हम बहुत खुश नसीब लोग हैं। अपनी ये खुश नसीबी पे ना खुद ही लात मत मारो। You're ruining it for yourself. बेटा, अब तक ना मैंने तुम्हारी हर बात मानी है, तुम्हें हर चीज में सपोर्ट किया है, लेकिन अब तुम्हें मेरी सुननी होगी, मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। प्लीज़।